अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये है जी सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं इसको इनको यूज़ करूँगी फ्लैक्स सीड लड्डू जो होते हैं उनके लिए। और उर्दू में हम इसको कहते हैं कि अलसी के लड्डू। तो ये मैं इसमें ब्राउन आटा और ये वाइट आटा, मीडियम वाइट आटा दोनों मिक्स करूँगी। और ये नट्स हैं, लोटस हैं, और ये गुड़ है, और ये मग्स हैं, चारों मग्स जो होते हैं ये वो हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं रेसिपी वेरी सून आउट करूँगी। ओके, टेक केयर, बाय। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये एक मैं आपको बहुत क्विक सी दिखा रही हूँ। ये यहाँ मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, व्हीट फ्लावर। यहाँ मैंने फ्लैक्स सीड जो अलसी है उसको रोस्ट करके रखा है। यहाँ मैंने फ्लैक्स सीड को रोस्ट करके उसको मिक्सी में मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। ये है मेरे पास ड्राई नट्स, अब मैं इसको ड्राई रोस्ट करूंगी। ये मैं इनको रोस्ट ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, और फिर इसके बाद मैं इसको डालूंगी मिक्सर में, और फिर मैं इसको करूंगी क्रश। इधर इनको नट्स को मैंने ड्राई रोस्ट करके मिक्सी जार में डाल के क्रश कर लिया। मैंने इसमें डाले हैं लोटस, जिसको हम मखाने भी बोलते हैं, इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। ये हैं जी चार मग्स, अब इनको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। इनको मैं ग्राइंड नहीं करूंगी, इनको मैं वैसे ही डाल दूंगी, लेकिन थोड़ा सा क्रंच के लिए इसको हल्का सा रोस्ट कर लूंगी, ड्राई रोस्ट। मखानों को मैंने इनको पीस लिया, क्योंकि मेरे बच्चे साबुत मखाने लाइक नहीं करते। ये है क्रश नट्स, रोस्टेड क्रश नट्स, और ये हैं रोस्टेड चार मार्क्स। यहाँ हमने डाला है देसी घी, अभी हम थोड़ा सा और डालेंगे। ये तकरीबन 1 kg के करीब देसी घी ने रख दिया है पानी बॉईल करने, और इसमें अब हम थोड़ा सा इसको उबाल आने दें, तो हम इसमें डालेंगे जैगरी गुड़। ये हमने इसमें डाल दिया गुड़। ये बन रहा है शीरा, चाशनी जिसे बोलते हैं। ये बेसिकली तो एक ही पॉट में बनाते हैं, लेकिन मेरे पास पॉट इस टाइम दो छोटे थे, एक कड़ाही और एक, तो इसलिए मैंने दो यूज़ किए। अब इस पानी को जो अच्छी तरह बॉयल आएगा, और जब गुड़ मिक्स हो जाएगा, तब फिर मैं इसको घी के साथ और हीटेड घी के साथ बनाऊंगी। ये इसमें मैंने तकरीबन 3 बड़े टेबल स्पून और देसी घी ऐड किया है। एक्चुअली हम एशियन पीपल जो है उनकी जो कुकिंग होती है वो मेजरमेंट हम जस्ट अंदाजे के साथ करते हैं, लेकिन ये आपको बताने के लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं स्पेसिफिकली नहीं मेजरमेंट करती। ये देसी घी और गुड़ वाले जो पानी है इसकी बन रही है चाशनी फ्लेक्सी लड्डू के लिए। ये थोड़ी देर में और पकाऊंगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी। मैंने
इसमें डाल ली है जो ग्रैंड की हुई थी फ्लैक्स सीड रोस्टेड, और मैंने जो जो वीट फ्लावर रोस्ट किया था उसको, इन सब को मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी नट्स जो मैंने और ये लोटस पाउडर खाने जो मैंने पीसे थे और जो चार नट्स, और अब ये रेडी है चाशनी के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है जी ये फाइनल लुक वो जो फ्लैक्स सीड लड्डू थे। तो ये आप चाय के साथ लें या दूध के साथ लें, ये आप जानते होंगे कि फ्लैक्स सीड के कितने फ़ायदे हैं, कितने उसके बेनिफिट्स हैं। और इसके जो ना इसमें मैंने नट्स भी डाले हैं, इसमें मैंने मखाने डाले हैं और मैंने चारों मक्स डाले हैं, तो गुड़ डाला है, देसी घी डाला है। तो बेसिकली आप इसको एक एनर्जी वाले जो बॉल्स होते हैं वो भी कह सकते हैं। तो आप बनाएं और मुझे फीडबैक दें। टेक केयर, बाय।